मुंबई की सड़कों में मोदी मोदी हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, खुद नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं, देश के प्रधानमंत्री जो इस समय मुंबई की सड़कों पर छाए हुए हैं। सर, सबके दिमाग में एक ही बात है, 10 साल की शासन सत्ता के बाद भी आपकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है, रीजन क्या है? जनता जनार्दन का आशीर्वाद, जनता जनार्दन निरक्षीर विवेक अच्छी तरह जानती है अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्योंकि भारत के नागरिकों के रगों में लोकतंत्र है। वे बोलते कम है लेकिन सही की परख उनको होती है और उनका ये सामर्थ्य है कि वे चीजों को पहचान करके निर्णय करते हैं। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि मेरा पूरा जीवन देशवासियों के लिए समर्पित है और जब उनका इतना प्यार मिलता है तो मेरी काम करने की ऊर्जा बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री जी, 4 चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं, आप जहां भी जा रहे हैं 5 से 6 सभाएं कर रहे हैं, हर रोज मैं देखता हूं सभाओं के बाद आप रोड शो करते हैं, आपको क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव है वो क्या नया इतिहास लिखने जा रहा है, क्योंकि तीसरी बार आप बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो रुझान आ रहे हैं तीसरी बार आप प्रधानमंत्री भी बनने जा रहे हैं? मैं आपका आभारी हूं क्योंकि आपकी चैनल में आपके अपने सोर्स होंगे, आपके पास जानकारियां होगी, आप एनालिसिस करते होंगे और जैसा आपका एनालिसिस है वैसा ही देश का एनालिसिस है कि 10 साल का कार्यकाल पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाई है। 10 साल का कार्यकाल, 2014 में जो देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ था आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है और हर देशवासी को लगता है कि हम अब रुकने वाले नहीं है, हम 3 नंबर की इकोनॉमी बनकर के रहेंगे, ये विश्वास है। 2047 तक विकसित भारत बन के रहेगा, ये सामान्य मानवीय का विश्वास है। कोई कल्पना कर सकता है? हिंदुस्तान के 7वीं-8वीं कक्षा के बच्चे को मालूम है G20 क्या होता है? मतलब भारत का नागरिक उस रूप में तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री जी, 2014 के बाद हमने देखा कि धार्मिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान हुआ, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो, लगातार धार्मिक पुनरुत्थान की वजह ही मानते हैं कि लगातार विपक्ष आप पर सीधे और व्यक्तिगत हमले कर रहा है? मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं और मैं नहीं मानता हूं कोई पॉलिटिकल वर्कर आध्यात्मिक पुनरुत्थान कर सकता है, वो तो हमारे हजारों साल की ऋषियों मुनियों की तपस्या है, उसी पर वो है और अविरत चलता रहा है। बीच में एक ऐसा कालखंड आया कि कुछ विकृत मानसिकता वाले लोगों ने उस पर पर्दा डाल दिया, मैं तो ज्यादा से ज्यादा उस पर्दे को हटा रहा हूं ताकि लोग अपने सामर्थ्य को अपनी विरासत को अच्छे ढंग से समझें। दूसरा, 140 करोड़ का देश, आप किसी को जहरे के मन में इच्छा रहती है कि मुझे एक बार माँ को गंगा स्नान कराना है, एक बार 4 धाम यात्रा करानी, अगर मैं अध्यात्म छोड़ दूं, मैं और कोई विचारधारा, प्योरली मैं कॉमर्शियल टर्म्स में सोचूं, इकोनॉमी के टर्म्स, 140 करोड़ यात्रियों का बिजनेस पड़ा है मेरे देश में। अब मुझे कोई बताए क्या मेरे देशवासियों को जहां वो जाए वहां अच्छा टॉयलेट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, रहने के लिए अच्छी जगह मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, ये सरकार का काम है। जो काम देश आजाद होने के तुरंत बाद करना चाहिए था वो नहीं किया। जब मैं सिर्फ काशी का बताऊं, करीब 5 करोड़ लोग वहां पिछले के दिनों में 5 करोड़ लोग आए, मतलब पूरी काशी की इकोनॉमी बदल गई। आज अयोध्या में अयोध्या की इकोनॉमी बदल रही है, बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड वो तो यात्रियों के आधार पर उसका इकोनॉमी थी, आज पूरी इकोनॉमी में जान पड़ गया। तो इसको उस अर्थ में भी देखना चाहिए। लेकिन
अल्पसंख्यकों के बीच में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो बातें कही जा रही हैं कि अगर इनकी तीसरी बार सरकार आ गई तो संविधान खत्म कर देंगे, जो लोगों को आरक्षण मिल रहा है वो खत्म कर देंगे, उसको कैसे देखते हैं? मैं 23 साल से हेड ऑफ द गवर्नमेंट हूं। ये झूठे बयानबाजी करने वाले लोग आज तक एक भी मुद्दे पर निर्णायक नहीं बन पाए हैं, न ही कोर्ट से जजमेंट ले पाए हैं। उनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति को मैं एक्सपोज कर रहा हूं, उनकी वोट बैंक की राजनीति को मैं खुलकर के एक्सपोज करता हूं। मैं मानता हूं हमने हिंदुस्तान को टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए, हमें हिंदुस्तान एक है उसी रूप में देखना चाहिए और उसी रूप में हमने आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप मुंबई में हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों की पार्टियों ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया है, क्या आपको लगता है कि वो चुनौती आपको दे पाएंगे? और दूसरी, उन्होंने एक बात और कही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टियां चोरी कर ली है। पहली बात है, ये नकली शिवसेना है, ये नकली एनसीपी है। शिवसेना एनसीपी दोनों आज एनडीए के गठबंधन के हिस्से हैं। दूसरी बात है कि ऐसे कैसे लोग हैं कि कोई उनकी पार्टी चोरी जाए और सोते रहे, तो ऐसे लोगों को तो एक वोट नहीं देना चाहिए। जिनमें अपनी पार्टी को संभालने का ताकत नहीं है वो देश क्या संभालेंगे? कोई आकर के उनकी पार्टी जो रोते रहते हैं, आंसू बहाते हैं, इनके प्रति तो देश को नफरत है, ये ऐसे कैसे? बाड़ा साहब जी का परिवारजन ऐसे हो सकते हैं? अरे वो तो मर्द के बच्चे होने चाहिए, किसकी ताकत है कि वो कुछ ले जाए? इसका मतलब कुछ गड़बड़ उनके अंदर है, उनके पारिवारिक झगड़े हैं, उसका ये परिणाम है। प्रधानमंत्री जी, अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, या जहां पर इंडी गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, आपको चुनौती दे पा रहा है, आपकी पार्टी को चुनौती दे रहा है, और 2024 में 4 जून को कैसा रिजल्ट देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए अलायंस को देश की जनता ने 400 पार कराने का फैसला कर लिया है। हिंदुस्तान में मैं जहां जहां गया हूं, बच्चा बच्चा 400 पार के मूड में है, और इसलिए मुझे उसके लिए दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। 4 जून को आप भी उस उत्सव और उमंग में जुड़ जाएंगे। धन्यवाद सर, बात करने के लिए।